नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल की ईदगाह बनी कुत्तों को शेर कराने, शराब, नोशी और अय्याशियों का अड्डा। भोपाल की आवाम से मोहदीबाना गुजारिश है कि कुछ वक्त अल्लाह के घरों पर भी नजरे शानी कर लिया करें। सब कुछ अपने महजीब और सियासी रहनुमानों के भरोसे पर ना छोड़ा करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भोपाल की ईदगाह पर। कुछ लोगों से हमें शिकायत मिली, मुस्लिम महासभा मध्य प्रदेश के खिदमतगार होने के नाते कुछ लोगों के मेरे पास फोन आए कि भोपाल की ईदगाह के आसपास आजकल ईदगाह की जगह पर कुछ शराबियों का अड्डा बना हुआ है। उस सिलसिले के अंदर मैं और हमारे साथ इरशाद अली खान इसकी तहकीक करने के लिए आए। अभी ईदगाह के जो गेट बंद हैं, जिस जगह की हमें शिकायत मिली थी, हम उस स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। ये ईदगाह के पास से एक रिफ्ता आपने देखा होगा, ईद की नमाज के पढ़ने आने के लिए यहाँ पहले तोप रखी चलाई जाती थी। आज इसके बारे में ये बताते हैं कि यहाँ पे वॉक करने वाले लोग अपने कुत्तों को लेके आते हैं और उनकी शिट करवाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, कुत्तों की सैरगाह बना हुआ है। ये ईदगाह का ये हिस्सा, अंदर कचरे का ढेर, ये यहाँ पे एक गेट हुआ करता था, गेट भी नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम महासभा मध्य प्रदेश के महासचिव इरशाद अली खान। इरशाद अली खान साहब, ये शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, क्या कहना है आपका और बताइए क्या क्या है आपने। सर, यहाँ पर ये जो ईदगाह का हम देख रहे हैं बुर्ज, और यहाँ पे सिर्फ आपने शराब की बोतलें देखी, लेकिन यहाँ पर सिगरेटों के, नशे की और भी दीगर चीजें, यहाँ तक के कंडोम के पैकेट तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। और पूरा एरिया जो है एक तरीके से जंगल की तरह बिल्कुल ही आप देख रहे होंगे नजर आ रहा है। ईदगाह की जीर्णोद्धार के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हर ईद के ऊपर लाखों रुपए के नमाज के दौरान चंदे होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आप खुद भी देखिए किस तरीके क्या है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ये टपोरी मपोरी लोग आते हों, छोटे मोटे लोग आते हों। आप शराब की बाटलों के ब्रांड और सिगरेटों की क्वालिटी देखें तो ये सब अच्छे किस्म की, महंगे किस्म की सिगरेटे के पैकेट हैं। ये देखें आप, यहाँ तक कि ये यहाँ पर कंडोम के तक कवर पड़े हुए हैं यहाँ पर, और तमाम किस्म के नशा करने वाली चीजें यहाँ पर पड़ी हुई देखेंगे आप ये पूरे के अंदर। और हालांकि यहाँ पर कुछ और बहुत ज्यादा इंतजाम की गुंजाइश दिखती नहीं है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।